जैसा कि हम सब जानते हैं कि मिशन चंद्रयान 3 भारत का चांद पर पहुंचने का तीसरा प्रयास है और इससे पहले इसरो 2 चंद्रयान मिशन और लॉन्च कर चुका है। ऐसे में आपके मन में भी बेशक ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर चंद्रयान 3 पिछले चंद्र मिशन से कैसे अलग है और इसमें इस बार क्या सावधानियां बरती गई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 की। 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ चंद्रयान 1 भारत और इसरो के कई सपने अपने कंधों पर लिए चांद की ओर निकला था। ये एक ऑर्बिटल मिशन था, यानी इसका काम सिर्फ चांद के चक्कर काटना था। इस मिशन को चांद पर भेजे जाने वाले सबसे सफल मिशन में गिना जाता है, क्योंकि चांद पर पहली बार पानी भी इसी ने खोजा था। चंद्रयान 1 ने चांद की सतह पर वाटर मॉलिक्यूल्स यानी पानी खोज लिया था। इस खोज के बाद से चांद पर भविष्य में जीवन की संभावनाओं को और बढ़ा दिया गया था। यही वजह है कि भारत ने चांद की सतह पर खोज करने वाले रोवर मिशन चंद्रयान 2 की तैयारी शुरू कर दी थी। चांद की कई हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें इस मिशन के जरिए इसरो को मिली थी। इसके बाद साल 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया, जिसके लिए ये उम्मीद जताई जा रही थी कि ये सफलतापूर्वक चांद की सतह पर उतर जाएगा। लेकिन विक्रम लैंडर की गति धीमी नहीं हुई, साथ ही लैंडर से संपर्क टूटने की वजह सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी बताई गई थी, जिसके कारण ये लैंड नहीं हो पाया था। लेकिन इसरो ने भारत की उम्मीदों को फिर से उड़ान दी और बिना हार माने दिन रात एक करके ना सिर्फ तीसरी बार चांद पर नए मिशन के साथ 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया, जिसमें पिछली असफलता से सबक लेते हुए कई बदलाव भी किए गए हैं। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 का आर्किटेक्चर एक जैसा है। दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि चंद्रयान 2 में विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर और ऑर्बिटर शामिल हैं, जबकि दूसरी तरफ चंद्रयान 3 में केवल लैंडर और रोवर ही शामिल हैं। वहीं चंद्रयान 3 चांद पर लैंड होने के लिए स्पेशल कैमरा से लैस है, तो चंद्रयान 2 में केवल एक ही कैमरा था, जबकि चंद्रयान 3 में ऐसे 2 कैमरा मौजूद है। साथ ही चंद्रयान 2 को लैंडिंग के लिए 500 मीटर गुणे 500 मीटर के दायरे की पहचान करने की क्षमता के साथ भेजा गया था, लेकिन इस बार चंद्रयान 3 मिशन 4 किलोमीटर गुणे 2.5 किलोमीटर एरिया की पहचान कर सकता है। चंद्रयान 2 को 9 टेस्टिंग सिस्टम के साथ चांद पर भेजा गया था, जो आज भी वही मौजूद है। वहीं चंद्रयान 3 में स्पेक्ट्रोपोलारिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट्री अर्थात शेप नाम के केवल एक ही इंस्ट्रूमेंट के साथ भेजा गया है, जो कि चांद पर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करेगा। इसके अलावा चंद्रयान 3 चांद पर मौजूद चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से ही कनेक्ट होगा। चंद्रयान 3 इससे ही टेरेन मैपिंग और बातचीत करेगा। बता दें कि चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से कनेक्ट हो चुका है और दोनों के बीच बातचीत भी शुरू हो गई है। इस बार विक्रम लैंडर के लेग्स यानी पैरों को और भी मजबूत बनाया गया है। इसके अलावा लैंडिंग की स्पीड को 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 3 मीटर प्रति सेकंड कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि लैंडिंग के दौरान 3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड पर भी क्रैश नहीं होगा। चंद्रयान 3 में नए सेंसर जोड़े गए हैं और विक्रम लैंडर में ज्यादा फ्यूल डालकर भेजा गया है। चंद्रयान 3 चाहे किसी भी तरह से लैंड करे, इसे एनर्जी देने के लिए अलग से सोलर पैनल लगाए गए हैं। इसरो ने इसकी लैंडिंग को हेलीकॉप्टर और क्रेन के जरिए टेस्ट किया है। इसी के साथ इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के अलावा चंद्रयान से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।